दोस्तों, एक ऋषि ने अप्सरा को छोड़ हिरणी को गर्भवती क्यों किया। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज की ये पवित्र कथा बहुत सुंदर है। इस कथा को छोड़कर जाने की गलती ना करें। आधा अधूरा कथा सुनने के बाद आपको पाप भी लग सकता है, तो दोस्तों बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको एक महान ऋषि विभाण्डक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जिनका वीर एक हिरणी के गर्भ में स्थापित हुआ था, जिससे महान ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ था, जिन्होंने राजा दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी, ये रोचक कथा आपको पसंद आएगी। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो गया? एक हिरणी पशु होती है, ऐसा कैसे हो सकता है जो उस हिरणी के गर्भ से एक मानव का जन्म हो? तो आइए, ये कहानी हमने एक महाभारत से ली है। महाभारत के एक पर्व अध्याय 110 से इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार महर्षि लोमस रे राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी जी का कथा बताते हुए कहा, श्रृंगी जी का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभाण्डक थे। जितने रोचक से यह बात को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशुयोनि के जीव से निर्माण कैसे हो सकता है? ये बात मैं सत्य नहीं मानते। यह तो नहीं धर्म सहमत है और ना ही व्यवहार सहमत है। और फिर इस प्रक्रिया से बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है और इस प्राकृति को जन्म कैसे हो सकता है? बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब महर्षि लोमस जी ने राजा युधिष्ठिर को सारी कथा पूरे विस्तार में बताई। उन्होंने कहा, महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभाण्डक घोर तपस्या में लीन थे। दोस्तों, एक कुंड में रहकर घनघोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इधर उधर कहीं भी पृथ्वी पर नजर नहीं आ रहा था। उनके तपस्या के प्रभाव से वह प्रजापति ब्रह्मा के समान दिव्य महान होते थे, ऐसा लग रहा था। उन्होंने अपने वीर को आमोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उसके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, उस समय यही होता था कि जो भी 100 यज्ञ कर लेते थे, 101 यज्ञ करने के बाद वो इंद्र की पदवी को ग्रहण कर लेता था। दोस्तों, वही हुआ। वह सभी देवता उनकी तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन सभी देवताओं ने इंद्र से याचना की, किसी तरह विभाण्डक मुनि की यज्ञ को खंडित किया जाए, उन्हें तपस्या से हटा दिया जाए, तपस्या भंग की जाए। इंद्र, जो कि हमेशा भयभीत रहा करता था, उस डर से कहीं मेरा पद न चला जाए। दोस्तों, तपस्या से कोई भी उसके इंद्र पद को प्राप्त कर सकता था, उसे इस बात का डर था। वे देवताओं के बात में आ जाते हैं, इंद्र, उन्होंने विभाण्डक मुनि के यज्ञ को, तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुंदर उर्वशी नाम की अप्सरा थी, दोस्तों, उसे विभाण्डक मुनि के पास में भेजा। उर्वशी पूरे सौंदर्य के साथ विभाण्डक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची, जहां वे तपस्या कर रहे थे विभाण्डक मुनि। वहां पर विभाण्डक मुनि ध्यान लगाए बैठे थे।
तपस्या में लीन थे। वहां पर जाकर उर्वशी अप्सरा अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना शुरू कर देती है। दोस्तों, अपनी कलाओं को वो अप्सरा दिखाने लगी। उन्होंने बड़ी सी सुंदर संगीत की ध्वनि उत्पन्न की, साथ ही अगल बगल वातावरण पर भी ऐसा सौगंध मोहन डाल दिया जिससे ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। तपस्या को छोड़ जब उन्होंने नेत्रों को खोला, सामने देखा एक बड़ी ही सुंदर स्त्री सौंदर्य अप्सरा सामने खड़ी है। दोस्तों, उर्वशी उस समय अपनी हाव भाव से काम को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, काम जागृत हुआ। दोस्तों, उसी समय जिसके चलते बरसों से संचित उसका वीर कुंड में ही प्रभावित हो गया, वो वीर कुंड में गिर गया। ऋषि का वीर प्रभावित होते ही उनके बरसों से चलने वाली साधना खत्म हो गई। ऋषि का वीरपात होते ही उर्वशी अप्सरा अपने लोक में चली गई। लेकिन ठीक उसी समय वहां पर एक हिरणी आई और जो कि बहुत ही प्यासी थी। उस हिरणी ने उसी कुंड में से पानी पी लिया, पानी पीना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पानी में मिला हुआ ऋषि के वीर का तेज था। उस हिरणी के पेट में जब वो चला गया, ऋषि के तेज वीर से उस हिरणी के पेट में गर्भ हो गई और कालांतर उस वक्त में उनके गर्भ में से एक बच्चा पैदा हुआ। हिरणी के गर्भ से समय पर पूर्ण होने पर एक बच्चा पैदा हुआ। दोस्तों, जिसके सर पर एक सींग था, इसलिए उस बच्चे का नाम सरंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान ऋषि हुए जिनके कारण उनका नाम सरंगी ऋषि हो गया। दोस्तों, महात्मा युधिष्ठिर इतनी सुनने के बाद लोमस ऋषि कहते हैं, महर्षि एक बात बताइए, मनुष्य का वीर पानी के साथ पीने से कोई भी पशु में गर्भ कैसे रह सकता है? यह तो अप्राकृतिक है, इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तब महर्षि लोमस बताते हैं युधिष्ठिर को, वह हिरणी कोई आम हिरणी नहीं थी, बल्कि किए हुए अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि मनुष्य योनि से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उपाय बताया था। जब भी विभंडक मुनि का वीर अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो तुम श्राप से मुक्त होकर वापस से देव कन्या बन जाएगी। ऋषि महर्षि लोमस कहते हैं, कभी भी प्रजापति ब्रह्मा की बात असत्य नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी का लेख कभी मिट नहीं सकता है। दोस्तों, इसलिए उसकी बाणी को सत्य करने के लिए कभी कभी कुछ पारलौकिक चीजें हो जाती हैं जिससे हम सामान्य मनुष्य अपने मेधा से समझ ही नहीं पाते, अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते। फिर भी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्योंकि वह ऋषि विभांडक के पुत्र थे, इसलिए विभांडक ऋषि ने उस बच्चे का भरण पोषण अपने ही पास किया था। दोस्तों, लेकिन एक स्त्री के चलते उनका तब खंडित हुआ, इसलिए विभांडक मुनि के मन में स्त्री के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था। इसलिए वह अपने पुत्र को तरीके परछाई से भी, यानी स्त्री के परछाई से भी दूर रखना चाहते थे। इसलिए वह
अपने पुत्र को एक जंगल में ले जाकर उनकी परवरिश करने लगे, उसी की देखभाल करने लगे, जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने अपनी युवावस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था और इधर विभांडक मुनि क्रोध से भरे हुए थे। उनके विरोध के कारण, जो कि उसी नगर में जंगल से सटा हुआ था, जो कि अकाल पड़ गया, वह नगर अंग देश कहलाता था दोस्तों। और वहां के राजा थे रोमपाद, और इस राजा को कहीं कहीं लोग पर भी कहा गया है, लेकिन अधिक जगह पर उनका नाम रोमपाद ही आता है। कभी कभी तो उन्हें चित्रहद भी कहा जाता है। तो राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया और वह अकाल लंबा चलने लगा, क्योंकि वहां विभांडक का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, राजा रोमपाद बहुत प्रयास करके हार गए थे, लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब रोमपाद ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे ऐसा कहा, जो इस अकाल है इसे दूर करेगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। उनसे बहुत कुछ पूछताछ की उपाय के बारे में। तब शास्त्रों में से अपनी घटनाओं के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला। शास्त्रों से उन विद्वानों ने इस घटना के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला। जब किसी भी तरह श्रृंगी ऋषि के कदम राजा रोमपाद के नगर में पड़ जाएंगे तो यह अकाल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, राजा रोमपाद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कथा में ऐसी बात आती है, जब राजा दशरथ जी का विवाह कौशल्या से हुआ था, वह अपने वैवाहिक जीवन से पहले ही चरण में थे, तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस समय तक राजा रोमपाद के वैवाहिक जीवन के अपने अंतिम चरण में चला गया था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं मिली थी। दोस्तों, तब राजा रोमपाद ने अपने मित्र दशरथ से कहा था कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मैं अब लगता हूँ संतान के सुख से बेरुखी रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, ताकि मैं भी अपने जीवन के सुख में संतान सुख का अनुभव कर सकूं। तब राजा दशरथ ने अपने मित्र को मन रखने के लिए अपनी पुत्री को रोमपाद को दे दिया था। उस पुत्री का नाम राजा रोमपाद ने शांता रखते हुए कहा। इधर उन्हें जब विद्वान लोग बताते हैं किसी तरह ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुलाना चाहिए और उनके कदम जब आपके राज्य में पड़ेंगे तो वर्षा होगी, तब ये अकाल मिटेगा, तब राजा रोमपाद ऋषि श्रृंगी को बुलाना प्रारंभ करते हैं। उन्हें पता चलता है ऋषि श्रृंगी जी ने अभी तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और ना ही आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर ही जीवन बिताया करते थे। तब राजा रोमपाद ने अपने नगर में से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुन करके उनके आश्रम में भेजा। वे स्त्रियां ऋषि श्रृंगी के आश्रम के नज़दीक में ही अपनी आश्रम बना कर के रहने लगे। दोस्तों, वह स्त्रियां श्रृंगी के पास तभी जाती थीं जब उनके पिता विभांडक तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। दोस्तों, वे स्त्रियां श्रृंगी के पास जा करके उनको तरह तरह की चीज़ें
दिखाती और मीठी मीठी बातें करती थी। ऋषि सृंगी ने मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव रखा था, क्योंकि उनका परिचय काम वासना से कभी हुआ ही नहीं था। दोस्तों, ऋषि सृंगी जी का हृदय अत्यंत निर्मल था। उन स्त्रियों से मित्रवत व्यवहार करते हुए महान भाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन्होंने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया, क्योंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे और उन्हें शंकर आज के मिठास के बारे में पता नहीं था। जब उन स्त्रियों ने उन्हें मिठाई खाने को दिया तो उन्हें लगा यह कोई विशेष फल है, तो उन्होंने कहा, हम अपने जीवन में आज तक इतना मीठा फल नहीं खाया। तब तीनों ने कहा, हमारे यहाँ ऐसे ही फल बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, अगर आप चाहें तो हम अपने यहाँ इस तरह कई फलों को दिखा सकते हैं और भरपेट आपको उन्हें खिला भी सकते हैं, आपके द्वारा उन फलों का भोग भी लगवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारी जगह पर चल सकते हैं। तब ऋषि सृंगी बिना अपने पिता को बताए हुए राजा रोमपाद के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, उन स्त्रियों के मन में राजा रोमपाद के नगर में पहुँच गए, स्त्रियों के साथ नगर में पहुँच गए। जैसे ही ऋषि सृंगी जी का पहला कदम राजा रोमपाद के नगर में पड़ा, वैसे वहाँ पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपाद के राज्य से अकाल की समाप्ति हो गई। लेकिन जानते थे यह एक छल है। उन्हें एक डर था, कहीं विभाण्डक मुनि वापस आकर श्राप ना दे दें, इसलिए उन्होंने उनके महल में विभाण्डक मुनि के आने से पहले ही कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्होंने भोले भाले सृंगी ऋषि का अपनी पुत्री शांता से विवाह कर दिया था। दोस्तों, ऋषि सृंगी निर्मल थे, स्वच्छ और साफ थे। वह विवाह के अर्थ को सचमुच में किसी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। ऋषि सृंगी को शांता के प्रति प्रेम का आकर्षक हुआ भाव जाग उठा, इसलिए उन्होंने तभी ही उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उस दिन बरसात होते ही ऋषि विभाण्डक मुनि समझ गए सृंगी किसी भी तरह से राजा रोमपाद के नगर में चले गए हैं। वह क्रोध में टम टम आते हुए और राजा रोमपाद के महल में पधारे। वे वहां पर राजा रोमपाद को श्राप देने वाले थे। उन्होंने देखा कि वहां पर शांति और ऋषि सृंगी का वापस विवाह हो चुका है, पानी ग्रह संस्कार भी हो चुका है। अब तो राजा रोमपाद ऋषि विभाण्डक संबंधित हो गए थे। वह श्राप कैसे दे सकते थे जब रिश्तेदार बन गए। विभाण्डक ने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र वधू और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। दोस्तों, एक तरह से ऋषि सृंगी राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, क्योंकि सिर्फ एकमात्र ऋषि सृंगी थे जो इस यज्ञ को संपूर्ण कर सकते थे, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ निर्मल हृदय का व्यक्ति संपन्न कर सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो। ऐसे ऋषि केवल सृंगी ऋषि ही थे। कहते हैं कि सृंगी ऋषि के तपस्या करने से उनके सिर पर जो सिंह था वह भी गायब हो गया था और सफलतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहते थे। मित्रों,
जब इस तरह से ये कहानी थी, ये कथा थी, वो हमने आपको सुनाई। इस तरह से एक अप्सरा को छोड़ हिरणी से एक पुत्र का जन्म हुआ, यानी उन श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी से हुआ था। श्रृंगी ऋषि एक हिरणी से पैदा थे। आप समझ गए होंगे ऐसा कैसे हो गया। इस वीडियो में यदि समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से चला करके समझ लीजिए। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मोटिवेट